हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निकी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना एपिड्यूरल एक्सपीरियंस। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जो भी बर्थ प्लान अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, आइदर इट कैन बी नॉर्मल डिलीवरी विथ एपिड्यूरल और विदाउट एपिड्यूरल और सी सेक्शन, एवरी थिंग इज़ फाइन बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ और उससे ब्यूटीफुल मोमेंट दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता है। सो व्हाई आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विथ यू गाइस, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एपिड्यूरल के बारे में पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज़ पेनलेस डिलीवरी या व्हाट इज़ एपिड्यूरल। और कई लोग ऐसे हैं मेरे जैसे जिन्हें लगता है कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने भी पहले बहुत सारे लोगों से सुना था कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको बैक पेन रहेगी या फिर आपको हेडेक रहेगा या फिर बच्चे पे इसका साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो इसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मैं एपिड्यूरल लूँ कि नहीं लूँ। इसके बारे में मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा था, उन्होंने मुझे सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए थे एपिड्यूरल के। फाइनली हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें क्या करना है। इवन फ्रॉम द स्टार्टिंग हम यही सोच रहे थे कि मैं फुल्ली नॉर्मल डिलीवरी करूँगी। अगर पेन बेरेबल होगा, ऑब्वियसली इट्स नॉट बेरेबल, बट अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करना चाहती थी कि मैं फुल्ली नॉर्मल डिलीवरी कराऊँ। लेकिन अगर मुझे पेन बेयर नहीं होगा तो देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर एपिड्यूरल, बिकॉज मेरी डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया था ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन और हॉस्पिटल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के हॉस्पिटल में आप एपिड्यूरल इंजेक्शन ले रहे हो, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। फाइनली मेरी डिलीवरी डेट आ गई। फिर जो भी कॉन्ट्रैक्शन वाले पेन थे स्टार्टिंग में, दैट वाज बियरेबल, आई कैन बियर दैट पेन, मैं किसी तरह हैंडल कर रही थी। 10 आवर्स मैंने निकाल लिए थे, तो आफ्टर 10 आवर्स मेरे कॉन्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो टाइमिंग होता है वो मेरे लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स का था। सिर्फ 30 सेकेंड्स में ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, दैट वॉज वेरी पेनफुल, आई वॉज स्क्रीमिंग लाइक एनीथिंग। और मुझे देख के मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिए। उन्हें रोता देख के मुझे लग रहा था कि मुझे और भी ज़्यादा पेन आ रहा है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे एपिड्यूरल दिलवा दो। मेरी फिर गायनी आई 7 o'clock, 6 o'clock तक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। फिर 7 o'clock मेरी डॉक्टर आई, वो जैसे ही इंटर की मेरे रूम में, आई टोल्ड हर मैम मुझे एपिड्यूरल दे दो, आई कांट बेयर दिस पेन एनी मोर। देन शी चेक्ड, आई वॉज 5 centimeter डायलेटेड। अगर आप एपिड्यूरल लेना चाहते हो तो मिनिमम आपको 5 centimeter डायलेट होना जरूरी है, उससे पहले वो लोग एपिड्यूरल नहीं देते हैं। तो मैं 5 centimeter डायलेट हो चुकी थी। देन वो लोग मुझे लेबर रूम में ले गए। देन आफ्टर 1/2 hour मेरे एनेस्थेशिया वाले डॉक्टर आए, उन्होंने एक छोटी सी इंजेक्शन थी वो एरिया नम करने के लिए, एक्चुअली लोअर बैक में वो इंजेक्शन दिया जाता है, तो छोटी सी इंजेक्शन थी नम करने के लिए, तो उन्होंने डाला। फिर एक बड़ी इंजेक्शन एपिड्यूरल की, वो उन्होंने इंसर्ट किया। लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, बट कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, उसके सामने एपिड्यूरल इंजेक्शन का पेन कुछ भी नहीं था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि कब लगा। उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट किया, पूरा प्रोसेस करने में ऑलमोस्ट 1/2 hour लग चुका था। सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि पूरे प्रोसीजर में आपको हिलना नहीं था और कॉन्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा पेनफुल थे, और आपको ऐसे बोला दिया जाएगा कि आपको इस तरह से बैठना है और इसी तरह से आपको बैठना है, क्योंकि अगर आप हिल नहीं सकते हो। और दैट वॉज सो पेनफुल, मैं किसी तरह कंट्रोल कर रही थी, मैं डॉक्टर से पूछ रही थी बार बार कि हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग गया था, उसे 5-10 मिनट के बाद ही मेरा पेन बिल्कुल स्टॉप हो गया। जैसे पेन यहाँ था तो यहाँ आ चुका था वो पेन। जब भी आपको एपिड्यूरल देते हैं तो वहाँ पे 2 मॉनिटर रखा रहता है, एक में मदर की बीपी चेक हो रही होती है और एक में बच्चे का हार्ट बीट चल रहा होता है। तो वो फैसिलिटी मेरे लेबर रूम में ही थी, इसलिए उन्होंने मुझे लेबर रूम में ही रखा था। लेबर रूम में कोई भी फैमिली मेम्बर्स अलाउड नहीं था, तो उस टाइम पे मैं अकेले ही थी। मुझे एपिड्यूरल इंजेक्शन लगवाने के 1.5 hour के बाद ही मेरी डिलीवरी हो गई थी। दैट वाज अ गुड थिंग, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। इसका इफेक्ट किसी को 2 घंटे रहता है, किसी को 4 घंटे रहता है। आपको लग रहा है कि आपका पेन बढ़ रहा है तो वो दोबारा इंजेक्शन दे देते हैं, सो दैट आपका पेन जो है कंट्रोल में रहे। मेरा तो 1.5 hour के बाद ही डिलीवरी हो गई थी। हो सकता है आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं, हो सकता है आपको 1 hour भी लग सकता है, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। तो मेरा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, आई एम नॉट एट ऑल रिग्रेट अबाउट दिस, और भगवान की दया से मुझे बिल्कुल भी बैक पेन नहीं है, ना ही हेडेक है, मेरी बच्ची भी बहुत ही अच्छी है।
शी इज़ नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम. तो मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. अगर आप भी पेनलेस डिलीवरी करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस. बट एक बात का आपको ध्यान देना है कि आपको अच्छे हॉस्पिटल में ही एपिड्यूरल इंजेक्शन लेना है. आप पहले अपनी डॉक्टर से पूछ लीजिए इन सारे चीज़ों के बारे में, क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एनेस्थेसिया डॉक्टर हैं कि नहीं उनके पास. सॉरी आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली मेरी बच्ची उठ गई है, शी इज स्लीपिंग जस्ट नेक्स्ट टू मी. हाँ हाँ बेटा, तो ये था मेरा ओवरऑल एपिड्यूरल एक्सपीरियंस. आई होप आपको थोड़ा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.